हाय गाइस, वेलकम बैक टू पुर्नोस्ट्रीज। और मैं बनाऊंगी आज पास्ता और रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इंडियन स्टाइल पास्ता बनाने के लिए मैंने ले लिया है बहुत सारी वेजिटेबल्स, और यहाँ पे ले लिया है क्यूकम्बर एंड कैप्सिकम। तो वेजिटेबल्स में प्याज, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, कैरेट और हाँ यही सब लिया है। और अभी इसको मैं वाइट ऑयल की मदद से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मैकरोनी एंड ये नीचे जो देख रहे हो ये सिवैया जैसे बनाते हैं वो वाला सिवैया, मतलब सेमोलिना का जो सिवाई मिलता है पैकेट में, उसको मैंने चाउमीन की तरह थोड़ा सा बॉयल कर लिया है दोनों को ही। तो अभी इसको मैं प्रोसेसिंग कर लूँगी। तो ऑयल पे मैं डाल रही हूँ सारे वेजिटेबल्स। मेरे कैमरामैन जो है गुनगुन, उसको ऑयल से ऑयल की छीटा जो आता है ना, वो उसे थोड़ा सा डर लगता है इसके लिए वो जो शूट है वो थोड़ा सा दूर से कर रही है, इसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ मैगी मसाला है मैजिक की मदद से इसको बना लूँगी। और मैंने कुछ भी नहीं डाला है, देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे वेजिटेबल्स डाल के इस पे मैगी मसाला है मैजिक का पैकेट खोल के डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे चॉप्ड लहसुन या गार्लिक यूज़ नहीं किया है, अदरक भी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जो मसाला है मैगी मसाला है मैजिक, इस पे ही सब कुछ होता है ड्राइड, मतलब पाउडर मिक्स किया हुआ। तो मैंने और एक पैकेट को यहाँ पे डाल दिया है और अच्छी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा क्रंची रखूँगी, इससे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज ये मैकरोनी या फिर पास्ता जो भी बोलते हो इसको थोड़ा सा इंडियन स्टाइल दूँगी। नॉर्मली जो वाइट सॉस पास्ता या फिर रेड सॉस पास्ता होता है उससे थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे मैं एक को डाल रही हूँ फोर के, एक नहीं दो दो डालूँगी। आप लोगों के अंदाजे से डाल देना अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक और इसको अभी फेंट लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो एक का एक स्मेल होता है वो दूर हो जाए। तो अच्छे से इसको मिक्स करके मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ी देर तक फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो मैकरोनी और सिवैया जो है वो बॉयल किया हुआ है उसको मैं मिक्स करके और थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी बस। और एक पैकेट मेरे पास है मैगी मसाला मैजिक का, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। यही है इसका प्रोसेसिंग। इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था कि बहुत सारा मसाला डालने के बाद भी उतना ज़्यादा टेस्टी यूजुअली नहीं होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी हुआ था। आप लोग ऐसे एक बार ट्राई कर सकते हो और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे मैकरोनी और चाउमीन ही बोलूँगी, जैसे मैं ये सिवैया बॉयल कर लिया है मैंने जिस प्रोसेस से, तो ये चाउमीन के जैसा ही बन जा रहा है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो भी मैंने अभी डाला है वो सॉफ्ट है, वो गले ना, गल जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इंडियन स्टाइल पास्ता या फिर मैकरोनी या फिर मिक्स ऑफ पास्ता, मैकरोनी नूडल्स, जो भी आप लोग इस रेसिपी को नाम देना चाहते हो वही बिल्कुल तैयार है। मैंने थोड़ा सा नमक देख लिया है, इस पे मैंने अलग से नमक नहीं यूज़ किया है, जो भी मैगी मसाला है मैजिक है उसी से पूरा सा इसका, मतलब पूरा जो टेस्ट है वो ही आया है। तो अभी ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, बच्चों के टिफ़िन में या फिर लंच में आप लोग भी खुद भी खा सकते हो और हबी को भी पैक करके दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा मेरा रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, स्टे हैप्पी। Thank you.